अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तदाए रब करीम के नाम से जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई और दोस्त बखैर वाफियत होंगे। तो आज हम ये खड़े हैं जी, एक रेत का पहाड़ है ड्यून सैंड्स, जो कि यहाँ पे यूएई पे डेजर्ट है वेस्टर्न रीजन में। तो इस वक्त वहाँ पे खड़े हैं, शाम का टाइम है, तो हमने कहा कि ज़रा चलें, आज छुट्टी है तो वीकेंड हो जाए। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों को भी वीडियो बना के ज़रा दिखा दिया जाए कि यहाँ का डेजर्ट कैसा है। और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त, तो चलिए चल के उनसे भी पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सारे वीरां ना क्या हाल है जनाब। मैं पटवारी हाँ, तो पटवारी गला करता। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ठीक हो गया। मोहतरम, मेरा इलाका है जी जिला रावलपिंडी, तहसील गुजरखान, डहाना नड़ाली, नड़ाली ग्राना तलक है जनाब। मैं अलजावर कंपनी च हाँ, तकरीबन 14 साल है मेरा जावर कंपनी च। अलहमदुल्ला मैं इस टाइम फोरमैन हाँ, सिविल। अच्छा मिर्जा साहब, माजरत ये दसो कि किस साल थी आमद हुई सी यूएई दे विच, और किस ट्रेड च हुई सी, ते किस तरह तुसा मेहनत की है, अपने बारे थोड़ा जड़ा ना दसो। जनाब शेर साहब, मैं आया सा 2006 अठवें महीने च, ते मैं आया सा जी पैफिटर, ते तकरीबन मैं 4 साल काम किया पैफिटर ना। फिर मेरे अजीज चाचू मिर्जा यूनुस साहब सुन उन्होंने आख्या काम सीखो पैफिटर ना, उन्होंने एक दोस्त सी फोरमैन नज़ीर, तो उसको मैं फिर काम सीखा। तकरीबन 2 साल बाद मैं असिस्टेंट फोरमैन बन गया, मेहनत की जनाब, तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह फोरमैन इस टाइम तुम्हें पता ही है। तकरीबन मेरी फोरमैनी भी तकरीबन 6-7 साल हो गए। तकरीबन थोड़ा जहा दसो कि तुसा किस किस फील्ड किस तरह का काम करवाया, जिहड़ा तुहाड़ा तजर्बा, यानी पाइपलाइन च है, रोड दे काम च है, जिहड़ियां सड़कां वगैरह बन दियां ने। जनाब सेल साहब, पहले मैं पैफिटर सा, पैप बना फिर फोरमैन बनाया ने वाटर पाइपलाइन जनाब, वो काम किया, काम कराया, मिठे पानी ने लैंड पवाई, स्टाम वाटर पाया, मजारी ने पाए, पीवीसी ने केबलां भी पवाना रहा। फिर जी वाटर जो साडा जिहड़ा है सी डिपार्ट वो खत्म होया, तो फिर मैं आया रोड सैक्शन में आ गया। रोड सैक्शन जी साडा जनरल फोरमैन वैल, उस फिर उस नाल तकरीबन मेरे की 8-9 साल हो गए। तो फिर उस नाल काम किया जी, कंक्रीट ना काम करी ना, रोड ना रोड बनाने ना काम करी ना जनाब, जेड़ा काम दिया आ रोंडोर जेड़ा काम मकस वो काम कर सा, नो प्रॉब्लम। अच्छा मिर्जा साहब, मैं तुसों को ये पूछना चाहना कि तुसी के कहंदे हो नए आने वाले वास्ते, कि कुछ लड़के जैसे कि तुहानू इलम है कि पाकिस्तान दे विच या साडे जिहड़े एशियन कंट्रीज हन जिन्हां दी मईशत थोड़ी कमज़ोर है, तो अक्सर बंदियां नूं काफ़ी ज़्यादा शौक हुंदा कि तुसी मतलब जो ही वो अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट कर देन कि किस तरह भी असी बाहर पहुंची है जी जी, ते तुसी अपना परदेश दे बारे तुहाडा के नज़रिया, तुसां के कुछ कमाया, के खोया, के दे फायदे न, के नुकसान, थोड़ा जिहा अपने तजर्बे दी बुनियाद है, क्योंकि माशाल्लाह तुहानू भी 13 साल हो गए। शेर साहब वाली गल ए है, मैं अपने तुसे दसा कि मैं वो नलायक आदमी सा, स्कूल में पढ़ना कोना सा, नस जाना सा, इधर कदी इधर बस फिरना तुरना रहना सा जनाब, जिद्द नाल घर ने जिद्द नाल मैं फिर आया यूएई च आया जनाब, यूएई च आके मेहनत की तुसे पता ही है। फिर मैं तो एक ही गल करना जी, पढ़ाई सब तो बेस्ट है सेल साहब, कि हुण मेरे की इस चीज़ ने फील होना कि मैं पढ़ाई क्यों नहीं की थी? क्योंकि किस टाइम अरबी भी होने गोरे भी होने, उन्होंने इंग्लिश वो इंग्लिश नाल सवाल साढ़े कर, अरबी की टेंशन नहीं होनी, अरबी तो इतना अरसा 14 साल हो गया, अरबी तो बंदा सीख जाना है। जेडे आने वाले जी, मैं तो पहले आना जी पूरी तले पढ़ाई करो, पढ़ाई करके फिर तुसा किसे तुसा डिप्लोमा कि नो सर्वेयर ना सेफ्टी ऑफिसर ना, या कोई काम सीखो, इलेक्ट्रीशियन ना काम सीख लो, पैफिटर ना काम सीख लो, किसी ट्रेड विच हो, लेबर फिर बंदा इतना 4-5 सौ उसकी तनखा होनी, फिर उसकी थोड़ी मुश्किल होनी। अगर थोड़ी कोई तलीम सही है फिर तुम अच्छा इतना आके मेहनत करो, कौमी अच के एकदम तुम आखो कि अस दिन दिन अस वे अफसर बन चाहो नहीं होना, थोड़ा अपनी मैं मारनी पैनी है सवेल साहब,
बिल्कुल मेहनत कर सो तुसें क्या अल्लाह ताला हर चीज देसी बेशक जी मेहनत करनी पौंदी है और तुसा मेहनत कीती भी है ते अल्लाह ताला दी जात उस दा सिला दिंदी है ओ उदा रिजल्ट भी मिलदा और नजर आ रहा यानी कि तुहाडा कहना ए है कि ज्यादा तो ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपनी तालीम जितनी ज्यादा हासिल कर सकते हो अपने घर वालों के वसायल नाल वो हासिल करो पाकिस्तान दे विच रह गया ते उस तो बाद इत्थे मूव करो अगर ज्यादा तालीम नो भी हासिल कर सकते ते किसे टेक्निकल फील्ड ले जाओ बिल्कुल सर साहब बिल्कुल ताकि तुहाडे अगे जाण दे चांसेस थोड़े ज्यादा होन और एटलीस्ट तुहान इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन जेडी है ओदी प्रॉब्लम ना होवे बिल्कुल सर साहब बिल्कुल गल सही है तुहाडी इने चे ना कि जितने आणे ख्वाहिश आणे चे ना मजदूरी एक मर्दियां बनी है तुसा परदेस कटो या पाकिस्तान करो तुसा की मेहनत करनी पैसी लाजम मेहनत कर सो तुसा की उसना अल्लाह ताला फल देसी जे आखो के असा घर बह के हर चीज वड्डी पोस्ट विच असा आ जाइए हर चीज ए नहीं होना थोड़ी जी मेहनत करनी पैसी तुसा की इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसना फल देसी शेर साहब ए गल्लां सारियां अच्छा तुसी जनाब खेत पटवार नाल तलक रखदे हो माशाल्लाह ग्राम भी तुहाडा तारीखी है जी बिल्कुल ते उत्थे काफी ज्यादा सिख पाए जांदे सन जिल्लै मतलब पाकिस्तान दी आजादी तो पहले ते तुहाने ग्रां नाल प्यार भी बड़ा उस चीज दा भी सानूं इलम है ते कित्थे कित्थे तुहाडे कोई संगी बेली वसदे ने इस वक्त दुनिया दे विच और उहनां नूं तुसी अगर अपना कोई पैगाम कहना चाहो सलाम दा कहना चाहो साडे चैनल दे तवसत नाल बिल्कुल जी शेर साहब इस टाइम मेरे दोस्त तकरीबन हर मुल्क विच साडा एक गवर्नमेंट हाई स्कूल मफदा सचिया ने एक साडा ग्रुप बनिया व्हाट्सएप ते साढ़े बहुत पुराने दादा 12-13 साल बाद साड़ी मुलाकात हुई उस ग्रुप है सारे ग्रुप बनाया एक साड़ा दोस्त प्यारा एडमन अजमल ठक्कर साहब उन्हें एक जनाब ग्रुप बनाया तो असं सारे भरा कट्ठे होने जदों छुट्टी जाइए मुलाकात करने जो भराए घर आए उन्होंने मुलाकात बह के अच्छी गप्पा पुराने स्कूल ने दौर दिन गप्पा एज मैं एक खिलाड़ी सा शेर सा कबड्डी ना खिलाड़ी सा कबड्डी मैं बहुत अरसा खेडी दहरे वाली स्कूलें दौर खेडी फिर बाहर जाके दो त्रै पिंड भी खेडे तकरीबन हर चीज़ का शौक है कोई ऐसा तुसें पता जेड़े पिंड होने उन्हें हर चीज़ का शौक है मेरे घर मेरे ख्याल से मेरे की हर चीज़ का शौक है कुत्ता रखने का शौक है कबूतर रखने का शौक है कुकड़ियाँ रखने का शौक है तकरीबन हर चीज़ का शौक है दूसरा जी सवेर का थोड़ी गए तुम आख्या साड़ा ग्रां बहुत कदीमी ग्रां जी कोई शक नहीं इस चीज़ों साड़ा ग्रां माशाल्लाह जी इतना बड़ा ग्रां है ये जड़ा ग्रां से जी सिखने टाइम ना ग्रां से इतने मंदिर नो गुरुद्वारे नो हर चीज़ है उत्थे जनाब साढ़े ग्रां जरा साढ़े बड़े वडेरे आने साढ़ा जरा ग्रां से इतने पूरे गोल्ड मार्केटा सुन सिखानियां ये सरकार दुनिया बहरू साढ़े ग्रां से क्या शॉपिंग करनी होनी सी बहुत तरीखी ग्रां है इसी सिख ने टाइम ने बहुत ही तरीखी ग्रां तो नड़ाली ग्रां तो मशहूर है कोई चीज़ नड़ाली ग्रां फिर तो मशहूर भी होया साढ़े ग्रां ने दो भ्रा असलम शेख तो अकरम शेख अल्लाह उन्हें जनरल सिब करा उन्होंने ना तो बड़ा साढ़ा ये ग्रां मशहूर होया क्योंकि बहुत बड़े कबड्डर सन तकरीबन पाकिस्तान हर जगह उन्हें कोडी खेडी है जी लम्मी कोडी खेडी है जबरदस्त खेडी ने उन्हें ना दिया साढ़े बहुत शेर साहब बहुत ना उन्हें रोशन किया बाद ही साढ़े मलक बरादरी है जी साढ़े आल पाकिस्तान ने पहले 10 जो लम्बर स्वीमर ने साढ़े ग्रां ने जी शेर साहब जय आल पाकिस्तान पहला लंबर तराकी ना वो भी साढ़े ग्रां ने जी मलक इसरार साहब मेरे क्लास फैलो मेरे क्लास फैलो भी ने बहुत अच्छे बंदे उन्होंने दत्तपोत्रे अगे अंडर 40 अंडर 60 अंडर 70 अंडर 90 तकरीबन जो साढ़े सारे दत्तपोत्रे मलक बरादरान जड़े ना ये इन्हों को लंबर तराकी ने आल पाकिस्तान ने तो मलक इसरार ओलंपियन भी खेड गया जी हर जगह तकरीबन एशिया च हर जगह मलक इसरार जाना पिछे उन्हें दत्तपोत्रे नो तो वह भी बहुत अच्छे कर रहे साढ़े ग्रां उन्हें एक कोचिंग कर रहे कि साढ़े ग्रां उन्हें तराकी नहीं ट्रेनिंग देने फिर उन्हें कि जाक जो ट्रेन हो चले फिर उन्हें ट्रेल दवाने फौज विच फिर उन्हें कि भर्ती भी कराने तो मिर्जा उमैर साहब तुसी आल मुकीम ते रावलपिंडी शहर दे हो जी जी ते तुसी रह रहे रावलपिंडी चो लेकिन लगता दिल तुहाड़ा जड़ा ना ग्रां नड़ाली च जड़ा ना वसदा बिल्कुल शेर साहब तुसें पता के सारी जिंदगी नड़ाली च गुजारी है बचपन सारा नड़ाली गुजारिया प्यू दादे ने जगह है जनाब मेरी शुरू तो नड़ाली नाल प्यार अपने गौर नाल इतना ज्यादा प्यार के बंदा सोच भी नहीं सकना क्योंकि मैं नड़ाली चू यूएई च आया सा अबूजाबी च आया सा तो फिर मेरी छुट्टी जी अक्सर होनी मैं पिंडी रहना लेकिन ज्यादा ना रहना 3 महीने छुट्टी 2 महीने मैं नड़ाली ग्रां रहना तो महीना मैं पिंडी च रहना
क्योंकि मैं इतने उस मिट्टी नाल अपने ग्रां दी मिट्टी इतना ही प्यार है कि मैं उस जदा ना रह सका। मैं जितनी कोशिश मैं क्यों मेरे दादी दादी की कबर उत्थे साढ़े और रिश्तेदार की कबर उत्थे जनाब वो भी है क्योंकि शुरू तो एक नाल शौक ही सी ग्रां तुम्हें पता ग्रां बंदे साढ़े ग्रां ने किधर किधर निकल गए साढ़े ग्रां ने जनरल यसीन साहब सुनो वो तको कितने लेकिन मुहब्बत उन्होंने अपने ग्रां काफ़ी है। साढ़े इस टाइम चेयरमैन हो शेख तारी शवाक साहब वो भी बड़ी खिदमत कर रहे हैं यंग लड़कियां दी बहुत अच्छे बंदे माशाल्लाह जी बड़ी खुशी हुई है जनाब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਛਾ ਰਿਹਾ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪਾਂ ਚ ਨੂੰ UAE ਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਤੇ बस दवाई कर सकते हैं जनाब इतों बह गए बेशक अल्लाह ताला ने की लंबी जिंदगी दे है जड़े दुनिया तो मेरे दोस्त एक यंग लड़का सी मेरा दोस्त एक क्लास फैलो सी ते ओ तकरीब ओ उसकी तकरीबन 10-12 साल हो गए उसने डेथ हो गया मलिक इजहार आरफ जी इतना जहन दो उस टाइम में नया नया तकरीब 2 साल हो गए सर तो उसकी डेथ हो गई सी जी तो उस ना हाल तक बहुत दुख है मेरे की ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਬਾਜੀ ਉਹ ਇਤਕਾਰ ਸੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਤਕਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਚ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਜੀ 20 ਰੋਜ਼ੇ ਹਲ ਰਿਹਾ ਇਤਕਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਲੈ ਸਰਵੇ ਸ਼ੇਦ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਤਕਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੰਨਿਆ ਦੀਆ ਉਸ ਨਾਲ ਜੀ ਬਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਛੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਉਸ ਨੇ ਸਰ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੱਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਦਮਾ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਉਸੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਉਸਕੀ ਅਗਲਾ ਜਾਨ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਫਜ਼ਲ ਜੀ ਆਲਮ ਕਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਜੀ ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁਸਲਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਭੀ ਮਗਰਬ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਚਲਤੇ ਹੈ ਹਮ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਜੀਏਗਾ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕੀਜੀਏਗਾ ਨਈ ਨਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾਹ।